अब आगे बढ़ते हैं। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर सायला प्रशासन सख्ती बरत रहा है, जिसके चलते एसडीएम सीमा तिवाड़ी के नेतृत्व में वीराना गांव के शादी समारोह में 30 से ज्यादा मेहमान होने पर कार्रवाई की और 1,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं सायला कस्बे सहित गांव में बेवजह घूम रहे लोगों को क्वारंटीन किया। इस दौरान सायला एसडीएम सीमा तिवाड़ी और SC/ST सेल के पुलिस उपाधीक्षक धर्माराम से खास बातचीत की सहयोगी सुखदेव सिंह राजपुरोहित ने। क्षेत्र भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। प्रशासन गांव में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहा है और दुकानें बंद कर रहे हैं और बेवजह जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर कोई दुकानें भी खुली हैं तो वो दुकानें बंद करवाई जा रही है व जुर्माना वसूला जा रहा है। हमारे साथ हैं सायला SDM सीमा तिवाड़ी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैडम बताएं, आज कोरोना को लेकर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? आज को वैसे जैसे कल से संस्थागत क्वारंटाइन जो है वो शुरू हुआ था, तो कल हमने करीब 10 लोगों को क्वारंटीन किया था और आज अभी तक 2 लोगों को और क्वारंटीन कर चुके हैं हम लोग। उसके अलावा आज एक शादी समारोह में गए थे हम, जहाँ पे कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही थी, तो वहाँ 1,00,000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया था। और एक शॉप जो कि टाइम ओवर होने के बाद भी खुली थी और थोड़ी सी क्राउडेड भी थी, वहाँ भी हमने जो उसके अकॉर्डिंग जो जुर्माना बन रहा था वो लगाया। जी हमारे साथ हैं पुलिस विभाग के धर्माराम जी, उनसे बात करेंगे। जी धर्माराम जी बताएं, पुलिस विभाग क्या कर रहा है कोरोना को लेकर? पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ चालान कट रहे हैं, बेवजह जो व्हीकल लेकर घूम रहे हैं उनके खिलाफ जो है। ये थे हमारे साथ धर्माराम जी और SDM मैडम, इन्होंने बताया कि जो भी बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनको संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं एक शादी समारोह में 30 से ज़्यादा संख्या होने पर 1,00,000 का जुर्माना वसूला गया है। सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला। और चलिए, RBI गवर्नर